हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिजिटेक की तरफ से रिमोट कंट्रोल्ड रिंग लाइट। ये 45 वॉट पावर आउटपुट के साथ आती है। यहाँ पे हमें इसके साथ एक रिमोट भी मिलता है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। और बॉक्स के ऊपर यहाँ पे हमें दिखा रखा है कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे हमें एक मोबाइल होल्डर भी मिलता है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो लेट्स ओपन इट। जैसे हम बॉक्स को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक बैग आता है। ये नाइस कैरी बैग है, आप इसको शूट और किसी भी लोकेशन पे इजीली कैरी कर सकते हो और ये अच्छी क्वालिटी का भी लग रहा है। लेट्स ओपन इट। सो यहाँ पे हमारे पास ये हमारी रिंग लाइट है, इसको हम पहले साइड रख लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या क्या मिलता है। यहाँ पे हमारे पास एक पावर केबल है और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेसरीज़ हैं, जिसके अंदर हमें एक रिमोट मिलता है और यहाँ पे हमारे पास फ़ोन माउंट करने के लिए माउंट्स हैं। इससे हम अपना फ़ोन इजीली यहाँ पे रिंग लाइट के ऊपर माउंट कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास है यूज़र मैनुअल, तो आप इस यूज़र मैनुअल को ज़रूर रीड करना। तो लाइट के पीछे की साइड हमें दो नॉब्स मिलते हैं, यहाँ से हम अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से हम लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें लाइट के टेम्परेचर को वार्म करना है तो हम इस नॉब को इस साइड को घुमाएंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट का टेम्परेचर जो है वो वार्म होता जा रहा है, जो लाइट है वो वार्म हो गई है। अगर हम इसको कूल करना है तो वापस इस नॉब को इस तरफ को घुमाएंगे राइट हैंड साइड, तो हमारी लाइट है वो कूल हो गई है। अगर अब हमें लाइट की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, लाइक इस नॉब को राइट साइड घुमाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी फुल है इस टाइम। और अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो इस नॉब को लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो यहाँ से इसकी लाइट कम हो गई है और यहाँ पे लास्ट में ऑफ हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लाइट के साथ रिमोट भी मिलता है, आओ इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे है ऑन ऑफ बटन, तो यहाँ से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको ऑन भी कर सकते हैं। और हम नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे जो ये सेंटर बटन है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लाइट 50% वार्म और 50% कोल्ड हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से अब हम इसकी इंटेंसिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइट कम होती जा रही है और यहाँ से हम इसकी भी इंटेंसिटी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक बटन है ऑक्सिलरी, अगर हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे जो हमारी लाइट है वो 50% कोल्ड और 50% वार्म है। जो यहाँ पे ये बटन था ये भी सेम फंक्शन करता है, बट यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। जो ये ऑक्सिलरी बटन है इसको प्रेस करते ही ये डायरेक्ट रेडी टू यूज़ हो जाती है। यहाँ पे हम नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल के बटन है, अगर आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आप इसको कोल्डर साइड ले जाओगे, यहाँ पे आप इसको प्लस करोगे तो ये वार्मर साइड जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो लाइट वार्म हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट बटन है वो है सिलेक्शन, तो यहाँ से 100% कोल्ड और 100% वार्म हो जाती है लाइट, जैसे कि आप देख सकते हैं नाउ दिस इज़ वार्म एंड दिस इज़ कोल्ड। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस लाइट को ख़रीदना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड गो एंड चेक इट आउट। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।